जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ सर जी, कोई गलती वलती हो गया है क्या हमसे? नहीं प्रभु जी, गलती कोई नहीं हुआ है। गलती क्या हुआ? मेरा फोन नहीं उठाते आप। नहीं नहीं, फोन नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा धर्मशाला में हूँ और यहाँ पे पूरा सुबह आया था मैं 8 बजे। हाँ, और फिर तो आप दिल्ली में रहते थे ना? दिल्ली में रहते थे, मैंने धर्मशाला में थोड़ा जमीन लिया ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा काम वाम करवा रहा हूँ थोड़ा। अच्छा सर जी, सर जी ये पूछना था आपसे, सर ये जो वीडियो आप कभी कभी उनको भेजते हैं, जैसे कोई वहाँ पे अमरनाथ जीत गया है वहाँ का वीडियो शूट करके लेके आता है। हाँ जी। तो ये सब बंदे कैसे जाते हैं सर जी? ये बंदे चले जाते हैं, जैसे आप जाना चाहो तो आप भी चल सकते हैं। सर कैसे, मतलब कुछ प्रोसेस बताइए, इसीलिए हमें आपको कॉल किया। प्रोसेस मतलब इनके बंदों में और आप में ये है कि आपको कोई रोकेगा वहाँ पे? नहीं रोका तो आप चले जाओगे आगे, पर बिना तैयारी से आगे जाओगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ये बंदे अभी गए हुए हैं, तो भंडारे वाले हैं। अच्छा, ये भंडारे वाले हैं। और इसके अलावा दूसरा डाला वीडियो वहाँ के लोकल बंदे हैं, जैसे ना वहाँ के जो लोकल बंदे जो रहते हैं वहाँ पे, जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं, उनको सारा आइडिया होता है। तो जैसे वो भी चेकिंग होता है उसको शॉर्ट कर दिया कहीं और से भी रास्ते से ले जाके। हाँ, लेकिन गुफा पे तो सिर्फ भंडारे वाले गए थे, बाकी लोकल बंदा भी गुफा पे नहीं गया। वही सर, हम 3-4 बंदे थे, हम लोग साथ में, सब लोग कह रहे यार चलो यार कोई प्रोसेस सब बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, बड़े लेवल पे एक्चुअली ये क्या है, भंडारा लगाते हैं, उनकी जानकारी भी अच्छी होती है और परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन आपको हमें नहीं मिलेगी ऐसी परमिशन। और हम अगर जाएंगे ना, हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर हम वहाँ से लोकल बंदों को लेके जाएंगे ना सारे कैंपिंग के हिसाब से, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरी बात भी हुई थी किसी से, तो बताते बहुत बर्फ है वहाँ पे अभी, ऐसी हालत नहीं कि हम जा पाए मतलब वहाँ पे इतनी बर्फ में। हाँ, बर्फ तो बहुत काफी, जब कोई व्यक्ति जा ही नहीं रहा है तो बर्फ ऑलरेडी। तो ये देखिए बाबा जी के आशीर्वाद से लग रहा है उम्मीद ना, इस बार यात्रा हो जाएगी, कोई चीज दिक्कत नहीं है। वही सर, वहाँ पे भेजे थे बाल्टार रूट वाला ना। हाँ जी, हाँ जी, काम चल रहा है। हाँ जी, शाइन बोर्ड में बात हो रही, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम मना नहीं कर रहे हैं, है ना, चांस है, लग रहा है कि यात्रा हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेडिकल करवा के सर बैठे हुए हैं। हाँ जी, मेडिकल करवा करके हम लोग बैठे हैं कि सर यात्रा। हमने मेडिकल रजिस्ट्रेशन टिकटें सब करवा रखी है। देखो बात आप कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते हो, अभी आपसे बात करो पीछे टी 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 होती रहती है मतलब। और बेचारे बच्चों का एक ही सवाल होता है कि यात्रा होगी नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि तो मेरे यात्रा होगी तो साइन बोर्ड से खुद ही कंफर्म हो जाएगा। हाँ, तो हर ये कि बहुत लोग सिर्फ आपको इसी तरह कॉल करके परेशान कर देते हैं कि यात्रा होगी। मैं तो ये रिकॉर्डिंग भी अभी आते ही डालता हूँ, मैं पूरी रिकॉर्डिंग डालूंगा तो आप सोचिए कि फोन उठाना क्या, फोन बंद ही कर देना चाहिए। मदद करने में बुराई नहीं है, लेकिन कोई अच्छी हो बात हो, कोई ऐसी बात हो, हर बंदा सुबह से शाम तक एक ही सवाल हर बंदे को सवाल पूछने वाले बंदे, उनको मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ कि अभी यात्रा नहीं हुई है, मैं देता रहता हूँ वीडियो, तो डालता हूँ वीडियो ये, ताकि लोग एक ना दूसरे भी ये चीज तो हम भी देख रहे हैं कि यात्रा होगी कि नहीं। अरे वो तो वीडियो पे आप डाल ही रहे, यात्रा होगी तो यात्रा होगी, तो बड़े जोर शोर से मैं सबको बार बार फोन करके बताऊंगा कि हाँ यात्रा शुरू हो गई है, आ जाइए आप लोग, तैयारी कीजिए, है ना, सभी को मालूम है बात। टेंशन होगा ना जाने माने का, मैं बताऊंगा आपको, वैसे तो है नहीं ऐसा ऑफिशियली, बड़ा महंगा पड़ जाएगा और उसमें ये भी पता नहीं कि कहीं आर्मी वाले रोक लिए तो दिक्कत ना हो जाएगी, है ना। हाँ, मतलब यहाँ से और आदमी कैसे भी जाए वहाँ जाने के बाद। हाँ, और आपको पता ही है जब इक्का दुक्का, ये तो चलो भंडारे वाले गए होंगे अपना सामान देखने के लिए ना, कि हमारा सामान कैसे है, हमारी जगह कैसी है, तो ये दर्शन कराए होंगे, है ना। जो लोकल लोग हैं वो भी गुफा भी नहीं गए अभी, चंदनवाड़ी के पहाड़ों में कहीं घूमते रहते हैं बर्फ पे, जैसे हम लोकल होंगे तो हम भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जैसे बाहर का बंदा आएगा कोई कंप्लेन कर देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। हम सोचिए आपके कोई पर्चे में बंदे होंगे जो वहाँ जाते हैं, तो भाई आपसे तो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा पर्चे के लोग हैं जो वीडियो हमेशा शेयर करते रहते हैं। नहीं नहीं, सब आप जैसे भक्त हैं बस, प्यार है और तो क्या है, वहीं के लोकल बंदे हैं, तो मैंने बात की, तो कह रहे बाबा आ जाना ले चलेंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि जाने में खर्चा भी बड़ा बैठ जाएगा और फिर ऐसे अनऑफिशियली जाना और बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कुछ लोग की मतलब आइए हम दर्शन करा देंगे सर। हाँ, करवा सकते हैं, उनका यही है कि हम आपको लेके चल पड़ेंगे रास्ते में, पानी उनको भी दो सब पूरा। हाँ, खर्चा पूरा, टेंट वेंट खाने की व्यवस्था, रजाइयां कंबल सब लेके जाने पड़ेंगे भाई मेरे, बहुत खर्चा होता है। कौन लेके जाएगा उनको? हाँ, तो वो इतना खर्चा क्यों करना, इतना किसी गरीब आदमी को दे देंगे तो वो भला अच्छी बात है ना, वो बाबा के दिल में है ना। और बाबा ने क्या पूरा अपना जी, अब धर्मशाला में ले लिए हैं? नहीं, धर्मशाला में बस यही प्लान था, थोड़ा मंदिर वंदिर और थोड़ा ऐसा आश्रम बनाए, थोड़ा शांति से बैठने का उम्र भी हो गई है। मतलब
मतलब थोड़ा सा प्रभु की उसमें भक्त में हाँ, देखो प्रभु ने आज तक जो दिया है जमीन भी प्रभु के आशीर्वाद से ले पाए, नहीं तो कहाँ अपनी औकात थी। तो जो परमात्मा ने अगल बगल का लोकेशन भी अच्छा खासा है, मौसम बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, मैं अकेला तो हूँ नहीं ना, हमारी पूरी टीम है बेचारे, वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो भेजने वाले हैं, तो उन लोगों से मुझे अति प्रेम है, तो इसलिए जमीन ले ली, कभी आना जाना अपना बैठे अपने प्रभु। तो सर लॉकडाउन मतलब फिर अभी आप दिल्ली चले जाएंगे फिर? नहीं नहीं अभी यहीं पे रहूंगा धर्मशाला में। तो वहाँ पे जॉब छोड़ दिए क्या सर? नहीं अभी नहीं छोड़े जॉब, पर छोड़ ही देंगे भगवान ने चाहो जल्दी, तो इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे फिर। हाँ इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे, अपना थोड़ा मंदिर वंदिर बना लेंगे, पूजा पाठ अपना छोटा बोटा है ना। नहीं नहीं सर माने की तो कोई सीमा ही नहीं है प्रभु जी, जितना मर्जी माने। बहुत बड़ा बात बोल दिया सर, माने की कोई सीमा नहीं, कितना भी कमाओ ना, हमारे दादा ने कमाया, पिताजी ने कमाया, हम कमा रहे हैं, आगे कितनी पीढ़ियां कमा के चली गई, कोई पीढ़ी ऐसी मिली जो शांति से बैठ गई हो, तो हमने भगवान के नाम से बहुत करते ही तो मालूम है। नहीं नहीं बाबा करवाते हैं, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा ने यहाँ भेजा, जो बाबा आज्ञा देंगे वही करेंगे, इंसान के अपने आप में कुछ नहीं है। नहीं तो मैं भी लगा था 99 की दौड़ में, सुना ना 99 वाली कहानी, बोला 99 सौ पूरे करने हैं, 100 करने में बंदा बढ़ता रहेगा वो होता ही जाएगा। बाबा ने इतना आशीर्वाद कर दिया कि इतना ज्ञान दे दिया कि शांति से बैठ जाओ, प्रभु का नाम लो। अब देखो 40 साल तक तो कमाते कमाते उम्र बीत गई है ना, बीत गई। अब बढ़िया ये है कि चलो देखो दो रोटी चाहिए आदमी को है ना, कहते हैं ना जरूरतें तो गरीब की पूरी होती है, ख्वाहिशें राजा की पूरी नहीं होती। भोले बाबा जी जरूरतें पूरी कर ही रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, तो और क्या सर बाबा कृपा है बाबा के ऊपर, आपके ऊपर तो बहुत बहुत कृपा। आपसे कोई बात भी करता है ना सर जी, हमको लगता है बहुत लोग तो बहुत खुशी उसको महसूस होता है। चलो ये भी बाबा का आशीर्वाद है, इसलिए धर्मशाला बैठ के ऑफिस में फोन उठाना भी जाना। सबसे बड़ा चीज ये है ना सर, आप ऐसा जगह बैठे हैं ना देश दुनिया में एकदम शांत में और शांति में, तो बहुत अच्छा लगता है उस समय। नहीं नहीं मौसम तो बताते हैं कि थोड़ा सा जैसे गर्मी हुआ तो बारिश हो जा रहा है, आप देखते रहते वीडियो का मतलब है सर। वीडियो में पूरा उसमें एक दो भी तीन ग्रुप में है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तीनों ग्रुप में तो है ही, हमारे यहाँ जितने मित्र है लगभग 10-12 सब आपके ग्रुप में ज्वाइन है, सब हमेशा मजा लेते हैं। आना आपकी धर्मशाला बस आप लोगों के लिए, यहाँ पे सब आश्रम टाइप का बन जाएगा, आना अपना घूमना फिरना भजन कीर्तन करेंगे बैठ के, चलिए लंगर खाएंगे, हमसे भी कुछ सेवा पानी करेंगे। वही बंदे बोल रहे जो आपसे बात किए थे पिताजी को लेके गए थे, 500 रुपए जुटा के, याद है? पहचान गया, बस यही है बाबा के पास बैठेंगे भंडारा करेंगे, देने वाले तो बाबा हैं सब कुछ है ना। हाँ ये बात तो है। अरे खुद ही सर आपसे लोग इतने मिल जाएंगे ना कि आपको खुद ही कहेंगे कि आप कैसे इतना बड़ा काम हो रहा है, हमको मालूम है ना। वगैरह में आदमी बैठता है ना, खुद ही एक बंदे ऐसे से मिल जाते हैं, भैया इसका खर्चा हम देंगे, इसका खर्चा हम देंगे। बहुत अच्छे अच्छे बंदे जुड़े हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आप लोग भी साथ ही जुड़े हुए हैं, बस परमात्मा सबको खुश रखे। हम जुड़े रहेंगे सर, हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक, जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।